हमारे आंवला का कलर चेंज हो जाए तो हम अपनी गैस फ्लेम को ऑफ करके अपने आंवला को पानी के अंदर ही रहने देंगे जब तक कि वो ठंडे ना हो जाए। हमारे आंवला अच्छे से ठंडे हो गए हैं, अब हम लिड हटा लेंगे और अपने आंवला को पानी से अलग कर लेंगे। हमने अपने सारे आंवला को पानी से अलग कर लिया है, अभी हम इसको 2 से 3 मिनट तक और ठंडा होने देते हैं, फिर हम अपने आंवले की कलियों को अलग करेंगे। हमारे आंवला को शुगर सिरप में डिबे हुए 3 दिन हो गए हैं और देखिए अच्छे से हमारी शुगर डिजॉल्व हो गई है और आंवला ऊपर आके अच्छे से फ्लोट करने लगे हैं। अब हम अपने आंवला को शुगर से अलग कर लेंगे और इसको एक छलनी की हेल्प से छान लेंगे जिससे कि हमारी सारी शुगर अलग हो जाए और आंवला चाशनी से बाहर आ जाए। देखिए हमारी सारी चाशनी अलग हो गई है और हमारे आंवला अलग हो गए हैं। हमारे आंवले से चाशनी अच्छी तरह अलग हो गई है। अब हम इसमें 1 से 2 ड्रॉप नींबू की डाल देंगे जिससे कि हमारे आंवला जो है वो काले नहीं पड़ेंगे और इसको अच्छे से मिलाकर एक प्लेट में निकाल लेंगे और 2 दिन तक इनको अच्छे से सूखने देते हैं। हम अपने सारा आंवला कैंडी को एक प्लेट के अंदर निकाल कर 2 या 3 दिन के लिए सुखाने के लिए रख देंगे। अब हम इसको 2 दिन तक सूखने देते हैं। आंवला कैंडी को सूखे हुए 2 दिन हो गए हैं। अब हम इसमें अपना, और ये ऐसी होनी चाहिए कि हमारे हाथ पे चिपके ना, बिल्कुल सूख जानी चाहिए, नहीं तो हमारी आंवला कैंडी अच्छी नहीं बनेगी। अब इसमें हम 3/4 कप ऑफ बाउल बूरा ऐड करेंगे। अगर आपको मीठा खाना पसंद नहीं है तो आप इसमें काला नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा अमचूर पाउडर ऐड कर सकते हैं। ये सब डालने पे आपको एक मीठा फ्लेवर कम आएगा, लेकिन मीठा और नमकीन दोनों फ्लेवर ही आप इंजॉय कर पाएंगे अगर आप नमक, ब्लैक पेपर और अमचूर पाउडर डालते हैं। तो इसको अच्छे से मिला लीजिए। अपनी आंवला कैंडी को हम बूरा में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको एक कंटेनर में निकाल लेंगे। हमारी आंवला कैंडी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप लोग इसे इंजॉय कीजिए, खाइए, खिलाइए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, क्योंकि जब तक आप मेरी वीडियोस को लाइक नहीं करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तब तक मुझे पता ही नहीं लगेगा कि आपने मेरी वीडियो देखी भी है, आपको पसंद आई भी है या नहीं। तो उसके लिए नीचे दिए हुए बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। हमारी आंवला कैंडी बिल्कुल बनकर तैयार है और अब आप इसे खा सकते हैं।